बड़ी खबर अफगानिस्तान से मिल रही है, जहां भीषण ठंड की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वहां पारा कई शहरों में -28 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोग तेजी से ठंड की चपेट में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक वहां हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से 166 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि बिजली और दूसरी सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं मिल पा रही है। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में तो पारा -28 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है, जो जनवरी में 0 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था। लेकिन अब जब कड़ाके की ठंड से निपटने का इंतजाम नहीं है तो लोग उसकी चपेट में हैं। सर्द मौसम और गिरते पारे की वजह से वहां मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते वहां लगभग 84 लोगों की ठंड की चपेट में आने से मौत हुई थी। और वहां के लोगों का आरोप है कि तालिबान सरकार ने से उन्हें मदद नहीं मिल रही है, यानी वहां लोगों को कड़ा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इलाके की ठंड में उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है, जिसकी कीमत वो अपनी जान गंवा कर चुका रहे हैं। तालिबान सरकार बनने के बाद से ही अफगानिस्तान के लोग अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस समय अफगानिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अफगानिस्तान में लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन रोटी का इंतजाम करना तो ठीक है, पर अब जब सर्दी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लकड़ी और कोयला खरीद कर ठंड से बच सके। लेकिन भीषण ठंड की मार केवल वहां के लोग ही नहीं झेल रहे, बल्कि पालतू जानवरों का भी वहां पर हाल बेहद बुरा है। अब तक वहां हजारों मवेशियों की मौत हो चुकी है, यानी अफगानिस्तान बुरी तरह से शीतलहर के कहर से जूझ रहा है। असल में तालिबान की सरकार बनने के बाद से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई देशों के अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की कीमत वहां के लोगों को चुकानी पड़ रही है। तालिबान के आने के बाद लाखों लोग भुखमरी की कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से चलाए जा रहे सहायता अभियान पर भी तालिबान अड़ंगा लगाता आया है। यही वजह है कि लोगों तक बाहर से भी वो मदद नहीं मिल पा रही है जो उन्हें भुखमरी और भीषण ठंड से बचा पाए। एक बड़ी खबर मिल रही है, चीन और अमेरिका के बीच 2 साल बाद भयंकर युद्ध हो सकता है। ये भविष्यवाणी यूएस एयरफोर्स के टॉप जनरल माइक मिनहन ने की है। इस संबंध में जनरल ने अपने अधिकारियों को एक मेमो भेजा है और युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। इस मेमो में अमेरिकी वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख जनरल माइक मिनहन ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो सोच रहा हूं वो गलत साबित हो, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अमेरिका और चीन में 2025 में युद्ध हो सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाजार में खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई, और देखते ही देखते बीच बाजार खड़ी मोटरसाइकिल धू धू कर जलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जलती हुई मोटरसाइकिल पर बालू डालकर आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग बुझी तब तक मोटरसाइकिल जलकर राख हो चुकी थी। दावा है कि बाजार में एक आदमी सामान लेने गया था, जिसने मोटरसाइकिल को खड़ा किया था और अचानक उसमें आग लग गई। हालांकि आग किन कारणों से लगी थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंटरेस्टेड करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है अगर आप इसकी जीत का। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।